नमस्कार, स्वागत है आपका स्वयं प्रभा चैनल 31 के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, टीचर्स डेवलपमेंट इश्यूज एंड कंसर्न्स। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर शरद सिन्हा जी, और वो हेड हैं आरएमएसए सेल की। आरएमएसए यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये अब समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है और इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम किया जाता है। तो मैम, सबसे पहले क्योंकि हमारा विषय है टीचर्स डेवलपमेंट, तो हम जानना चाहेंगे कि टीचर्स डेवलपमेंट होता क्या है। नमस्कार अलका, और आपने ये प्रश्न पूछा टीचर्स डेवलपमेंट। नॉर्मली जब भी कोई टीचर बनना चाहता है या टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, और जिस समय से वह व्यक्ति यह फैसला करता है कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, आफ्टर दैट ही और शी एनरोल्स फॉर अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड देन आफ्टर दैट प्री सर्विस, वी कॉल इट अ प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड आफ्टर दैट प्री सर्विस ट्रेनिंग जॉइनिंग सर्विसेज टीचिंग एट एनी लेवल, he or she finds many professional in service development programs. So attending in order to improve the quality of teaching and own professional development constitutes the concept of teacher development. Right. So what is the importance of teachers development? If we understand what is teachers development and the system of teachers development, now what is the importance? Of course the system also. Yeah, teacher development, see, whenever we talk of quality in education, we always pinpoint on the teacher, because a major chunk of responsibility for improving the quality of education lies on the shoulders of the teacher. Right. And various commissions in our country have also emphasized that no teacher can rise above the level of its teachers. So it is very important for a teacher to be professionally equipped, updated and ready to change with the requirement of the times in order to handle the children in the classroom and provide them quality education. इसी बीच हमारे एक दर्शक हैं शालू जी, उनका प्रश्न है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टीचर, जो टीचर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्री सर्विस या इन सर्विस कोई भी है, तो उसमें क्या रोल है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आवर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑल ओवर द कंट्री आर कंटेंट लोडेड। वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज and so on and so forth, a very enriching curriculum we have, but what lacks is a lot of hands-on experience in tackling this situation, because children are not something, you know, they can be tackled by bookish language. Right. In the classroom we face with so many challenges, and every day is a new challenge for a teacher. So it becomes very important for a teacher to be professionally equipped, to be updated in order to face the daily challenges. तो क्योंकि हम इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इन सर्विस और प्री सर्विस की, तो आपकी स्टडी है, रिसर्च स्टडी, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है उस स्टडी का? देखिए, मेरी स्टडी, चूँकि बार बार जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जैसे आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हमने लगभग 18 राज्यों में इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, साइंस, मैथमेटिक्स, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस विषयों में भी, और ये एक पैकेज पर आधारित थे, इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पैकेज। हम लोगों ने पाया कि प्रैक्टिकल्स जो भी टीचर्स हमारी ट्रेनिंग्स में आते हैं, उनमें हर टीचर की अलग अलग नीड होती है, और अलग अलग नीड में भी एक चीज़ जो बहुत उभर के आई कि उन सब के पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस में और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हाउ टू डील विद देम एंड हाउ टू हैंडल देम प्रैक्टिकली के बारे में जो लेटेस्ट नवाचार, लेटेस्ट जानकारियां हैं, वो उपलब्ध नहीं थी, और यदि उपलब्ध थी तो उसको किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, इसके संसाधन उनके पास नहीं थे। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज अ ट्रेनिंग इन आईसीटी और ट्रेनिंग इन हैंडलिंग बुलिंग, ट्रेनिंग इन हैंडलिंग
एडजस्टमेंट, एंजाइटी, ऑल अदर रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज सेकेंडरी एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं 9th और 10th लेवल पे, दे आर एडोलेसेंट्स, और इस एज में बच्चों की पढ़ाई से अतिरिक्त भी अन्य समस्याएं भी मुखर हो जाती हैं, परिदर्शित होती हैं, और तब उनको टैकल करने के लिए टीचर को वेल इक्विप्ड होना चाहिए. इसके लिए उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट निरंतर होते रहना चाहिए. लेकिन चूंकि ये स्टडी हमने हरियाणा में ली थी, ये देखने का प्रयास किया कि प्री सर्विस में उन्होंने जो पढ़ा है, कई टीचर्स हैं जिन्होंने लगभग 30-35 साल पहले एक बीएड का कोर्स किया होगा या प्री सर्विस ट्रेनिंग करी होगी, और कई ऐसे टीचर्स से भी हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में एक भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं अटेंड किया. तो उनसे यदि हम ये अपेक्षा करें कि वो टेक सेवी हो जाएं, आईसीटी का प्रयोग करें, नवाचारों के बारे में बच्चों को बताएं, क्योंकि आप नवाचारों की और टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं. मिस रानू महतो का मैसेज आया है हमारे पास, वो कहते हैं कि मल्टीमीडिया अप्रोच इन सर्विस ट्रेनिंग में कैसे होनी चाहिए या क्या हो रहा है. देखिए अलका जी, जो हमारी ये स्टडी थी उसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर डेवलपमेंट को हमने एक कंटिन्यूम में देखा, यूनेस्को की डेफिनेशन के अनुसार भी. और वैसे भी टीचर जब एक इन सर्विस ट्रेनिंग करके जॉब में आ जाता है तो उस समय भी वो कई बार ट्रेनिंग के उसे मौके मिलते हैं, अपनी प्रोफेशनल दक्षता को निखारने के कई मौके मिलते हैं, कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं राज्य के द्वारा, वेरियस बॉडीज लाइक एनसीईआरटी के द्वारा. तो उसमें इन सभी जो इन प्रोग्राम्स में मल्टीमीडिया और नई अप्रोचेस के बारे में ज़रूर बताया जाता है, क्योंकि आईसीटी आजकल एक बहुत बड़े रूप में उभर के आ रहा है और काफ़ी मददगार साबित होता है बहुत सारी बातों को कक्षा में सुलझाने के लिए, बताने के लिए, रीच करने के लिए. ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसानी से मुहैया करा दी है. तो मल्टीमीडिया अप्रोच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स विच वी कंडक्टेड एनसीईआरटी, बट इन वेरियस प्रोग्राम्स विच आर बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टेट, दैट अप्रोच वाज आइदर लैकिंग मिसिंग. जी, तो हमें जाना कि मल्टीमीडिया अप्रोच का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन सर्विस ट्रेनिंग में, रोल ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में भी जाना, और मैम की स्टडी जो है, जो रिसर्च स्टडी उन्होंने हरियाणा पे की है, उसका सैंपल उन्होंने हरियाणा से ही लिया, हरियाणा के टीचर्स जो प्री सर्विस और इन सर्विस, तो उस स्टडी के सैंपल के बारे में और जानना चाहेंगे, कितना सैंपल आपने लिया था. देखिए स्टडी में चूँकि हम टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और टीचर डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो हमने इन सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हम गए. वहाँ पर भी क्वेश्चनरी और डिस्कशंस की मदद से उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, फैसिलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स, द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी करी जाती है, इंटर्नशिप कैसे करी जाती है, पूरे 2 साल में उनका प्रोग्राम किस तरीके से आयोजित किया जाता है, कक्षा में अटेंडेंस कैसी होती है, बच्चों को क्या क्या, प्रशिक्षुओं को क्या क्या अवसर मुहैया किया जाता है, जाते हैं, ये सब देखा. और प्री सर्विस के बाद में हमने हरियाणा में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, मेरा ख्याल ये अन्य राज्यों में भी होगी, जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कराए जाते हैं वो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय और 15 दिवसीय, इस तरह से विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स के साथ में राज्य में साल भर ट्रेनिंग चलती रहती है, इन सर्विस ट्रेनिंग, ये इन सर्विस ट्रेनिंग में. और इसमें जो देखा गया कि टीचर्स जो आते हैं, जो इन ट्रेनिंग्स में आते हैं, वो टीचर्स, कुछ टीचर्स, कुछ चेहरे नए होते हैं और अधिकांश चेहरे रिपीटेड होते हैं. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाइंडिंग्स, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स विच वी ऑब्जर्व इन दिस स्टडी. तो क्योंकि हम स्टडी तक पहुँच ही गए हैं, तो हम फाइंडिंग्स जानना चाहेंगे कि प्री सर्विस की अलग फाइंडिंग्स होंगी और इन सर्विस की. तो सबसे पहले प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की क्या फाइंडिंग्स रही आपकी स्टडी में? इस स्टडी में हमारी फाइंडिंग्स कई वेरी सो मेनी एरियाज we concentrated upon according to the questionnaire, focus group discussion, the availability of resources. So in case of pre-service training, we had found that there are
so many institutions, a few government institutions and many, many private institutions in the state of Haryana. Lots of private institutions have mushroomed. And they have lagged. ये slide पे दर्शक देख सकते हैं कि जी. There was, we observed that there was a lack of expertise और infrastructure भी up to the mark majority of institutions में नहीं था. तो और enrollment rates भी इस वर्ष, it was an interesting finding that enrollment was less in the field of teacher education, pre-service teacher education, and in most of the colleges the seats were vacant compared to early years. Okay. Less than 50, more than 50% seats were vacant in some of the institutions. So it was like we felt that there is a decline in enrollment in सोचने की बात है कि both government as well as self finance institution, not only private self finance institution but in the government institutions also, both at B.Ed and M.Ed level also. Okay, what are the other findings? And other findings were in the area of the availability of infrastructures, how the pre-service training programs are programmed, how we teach, how we choose the resource persons, and how the resource persons are being chosen. Then after that, what is the ratio of teachers coming to this profession, to the classroom, and what is the, like, even we looked at very interesting angle, that is how of the participating teachers, that whether there are a number of male teachers participating in this training programs or female teachers participating in the training programs. So lot of areas we looked into, and related to in service we found that, you can show the slide also, we found that the number of girls being enrolled is more than the boys. So more girls are coming to this profession, and even in the in-service training programs, we found that more girls are being enrolled than the boys. And in the transaction, when the transaction of syllabus which was taking place in the pre-service programs, it was more theoretical, as was pointed out by someone, that there was majority of theory classes were being conducted, theory was being taken, with less practical and hands-on experiences. And even we also observed in some of the institutions that there was less emphasis on pedagogies. New pedagogies ke bare mein unko bataya nahi ja raha tha. Even the teacher educators were not aware, and they stuck to the syllabus, and like their emphasis was more on completion of the syllabus. हमारी एक दर्शक हैं डॉक्टर सरिता, उन्होंने पूछा है कि future developments in teacher education इसके बारे में बताइए. This I think I will take this question after the after I share the findings, because that would make the this thing, I think it will be relevant in that case. So we will be understanding others' findings related to pre-service. Yes, mainly it is very teacher-centric program. Learner-centric learner-centric pedagogies are not used. Pedagogical issues are a real rife situation. How to use those pedagogical various pedagogies in the classroom is not told to the teachers. So since they are not acquainted, when they go to the classroom, they find it difficult to tackle the classroom. Now we understood the pre-service teacher training related findings. We will understand further the in-service teacher training findings of your study. Related to, like, we observed all the programs, that is 1-day program, 2-day program, 3-day program, 4-day program throughout the day. And when we observed, we found that these trainings mostly are carried out in diets. Every district has a diet in Haryana, and so they are carried out in, and we went to all the diets. We observed program, and one thing which came out was that there is no set training calendar. And these trainings are also not organized on the basis of need of the trainees. Many diets are located, like Mewat and Nuh, in the remote areas.
So they also lack basic infrastructural facilities. Like if we want to show integration of ICT, the labs are not well equipped to show the integration of ICT. So that cannot be demonstrated to those teachers who are coming to those programs. And then all those people, trainees who are the key resource persons or the teachers who were to be trained, they were given information at very short notice. They did not know that they have to attend a training 1 or 2 days in advance. So, like they were not well prepared in advance for that. And there was a dissatisfaction amongst the participant because they already had other programs planned up. So, this disrupted their schedule. So, many of them came to the trainings reluctantly. Although they confided that after the trainings they have felt very nice, they have gained a lot. In one or the other area. We will be understanding about the domains of your findings, research findings. There are different domains. Like I want to ask, or हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो participants आते हैं in pre-service और in service training में, mainly in service training में, तो क्या उनका selection का क्या कोई criteria होता है पहले से? इस study के दौरान जो हमने observe किया, जो भी ट्रेनीज वहाँ पर प्रोग्राम्स में आए सभी से पूछा तो उनका कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होता है. नॉर्मली एट रैंडमली ही उनको चूज किया जाता है और भेज दिया जाता है. विलिंगनेस भी टीचर्स से अधिकांश टीचर्स से नहीं पूछी जाती है वेदर दे आर विलिंग टू अटेंड द प्रोग्राम और नॉट. और इन प्रोग्राम्स में हमने देखा कि जिस प्रोग्राम में 40 प्रशिक्षु आए हैं 40 टीचर्स आए हैं उसमें हार्डली 2 or 3 फीमेल कैंडिडेट्स थी. जबकि सेकेंडरी लेवल पे हरियाणा में महिला टीचर्स की संख्या भी काफ़ी कंसिडरेबल है. जी बिल्कुल. बट स्टिल इन दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे वर कॉन्स्पिक्यूस बाय देयर एब्सेंस और लेस अटेंडेंस. व्हाट अबाउट रिसोर्स पर्सन? इज देयर इवन मेजर रिसोर्स पर्सन? मेल ट्रेनर्स वर मेल. The key resource person imparting these training programs, mostly in athlete at Ambala and at 2 places we observed there were female trainers. तो हमने जाना कि participants का क्या selection criteria होता है, resource persons का, coordinators का. अब जानना चाहेंगे कि क्या training modules का कुछ selection का criteria होता है कि वो national level के हिसाब से है या state level के हिसाब से. तो जो training module या material है उसको सिलेक्ट करने का क्या कोई क्राइटेरिया है? अधिकांश प्रोग्राम जो हमने ऑब्जर्व किए उसमें हमने देखा कि ट्रेनिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड किया गया था. लेकिन ट्रेनिंग मटेरियल कुछ तो एनसीईआरटी का ट्रेनिंग प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल था, कुछ स्टेट ने अपने आप कंटेक्चुलाइज किया तो मॉड्यूल्स बनाए और उनको दिए. और ये मॉड्यूल्स सभी प्रोग्रामों में प्रोग्राम के शुरुआती दिन पर उन्हें दिए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ये पाया गया कि मॉड्यूल्स काफ़ी पहले के लिखे हुए, 4-5 वर्ष पहले के लिखे हुए, उन्हें अपडेट नहीं किया गया है. और ये जो कंटेंट जो मॉड्यूल्स दिए जाते थे वो प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कंसिस्टेंट थे, यानी रिक्वायर्ड मॉड्यूल थे बट दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अपडेशन बिकॉज रीसेंट डेवलपमेंट्स उनमें समाहित नहीं किए गए थे. कुछ मॉड्यूल्स में कई वेबसाइट्स भी दिए गए थे, कई वेब लिंक्स भी दिए गए थे जो कि रैंडमली चेक करने पर पाया गया कि वो तब एक्टिव नहीं थे. बट बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब टीचर्स उनको सर्च करेंगे तो उनको तो कुछ उसमें रिसोर्स मिलेगा नहीं, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत भी है. तो आगे हम जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्या कोई समस्या आपने पाई अपनी फाइंडिंग्स में? जी, कोऑर्डिनेशन देखिए डिप्यूट इन्हें ऑर्गेनाइजिंग, जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो इन प्रोग्राम लगभग सारे साल ऑर्गेनाइज होते रहते हैं. और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की डेट मैंने जैसा शुरू में बताया कि एकेडमिक कैलेंडर स्ट्रेट बनाता तो है पर एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वहाँ प्रोग्राम नहीं होते हैं बिकॉज प्रोग्राम का होना डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द फंड फ्लो. और फंड फ्लो जब आता है, फंड्स लेट मिलते हैं, खासतौर से विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के फंड जब आते हैं उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं.
तो प्रॉब्लम क्या आती है कि लगभग नवंबर या दिसंबर में यदि प्रोग्राम होते हैं तो आम तौर पर स्कूलों में जहाँ जब पढ़ाई फुल स्विंग में होती है तो किसी भी टीचर को डिप्यूट करने में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स कतराते हैं। तो डिप्यूट क्योंकि उस क्लासेस फिर खाली जाते हैं और पर्टिकुलरली ज़्यादातर प्रोग्राम जो ऑब्जर्व किए गए वो साइंस और मैथमेटिक्स पर इतना अधिक जोर है कि साइंस और मैथमेटिक्स के प्रोग्राम ही ज़्यादा होते हैं और आईसीटी इंटीग्रेशन के भी काफ़ी प्रोग्राम होने लगे हैं हरियाणा में जिनपे हमने ऑब्जर्व किए। तो उसमें हम लोगों ने यही देखा कि पार्टिसिपेंट्स को जो डिप्यूट किया जाता है तो शुरुआत के वो एक दो दिन आते हैं और चूंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टीचर्स तो वो लगभग दो या तीन दिन के बाद उनकी अटेंडेंस कम होती चली जाती है। पूरे पाँच दिन के प्रोग्राम में तीसरे दिन से अटेंडेंस कम होनी चली जाती है। अथॉरिटीज़ भी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का अभाव इसलिए दिखा गया, डिप्यूटिंग बॉडी कोई और है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कोई और है और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा अभाव मिला। यदि ऑलरेडी प्लान प्रोग्राम हो और डिप्यूटेशन पहले से ही निर्धारित हो तो टीचर्स भी अपने आप अपना प्रोग्राम उसी अनुसार शेड्यूल कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी उसी के अनुसार शेड्यूल कर सकते हैं या प्री प्रोग्राम कर सकते हैं। जी, तो कोऑर्डिनेशन के बाद ट्रांजैक्शन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का उसके बारे में बताइए। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वो प्रोग्राम में रिलेक्टेंटली आए, पर अधिकांश पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कुछ सीखा एंड दे वेंट, जिन भी प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स से हमने आखिरी दिन पूछा तो दे वर प्रेटी मोटिवेटेड और दे ऑल्सो वॉन्टेड टू, दे वर सो मोटिवेटेड दैट दे वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट एंड दिस थिंग्स वेन दे गो टू द क्लासरूम। जो नई पेडागॉजी सीखी है, आईसीटी इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया उनको, जेंडर इशूज़ के बारे में बताया गया, एक साइंस चैम्पियन ट्रेनिंग में कई एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ जो हमने देखा वहाँ पर होते हैं तो उसमें भी बताया गया। तो जिन प्रोग्राम्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत कुछ प्रशिक्षु सीख कर जाते हैं, टीचर सीख करके जाते हैं और आखिरी दिन जब हम उनसे मिले तो उनमें ये फीलिंग दिखाई देती है कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू इट एंड इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम। बट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वी ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो पूरे सेशंस के लिए जो डिवोटेड टाइम होता है उसमें से काफ़ी चंक ऑफ टाइम चला जाता है फिलिंग ऑफ TADA फॉर्म्स, अरेंजमेंट, देन वेन्यू में कभी पावर कट हो जाता है कभी, और क्या रहने की व्यवस्था होती है क्योंकि नॉर्मली केस में टाइम ज़्यादा होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज फॉर अ वन डे प्रोग्राम डाइट सेंटर्स में जहाँ हॉस्टल्स हैं वहाँ तो होता है, लेकिन अक्सर प्रोग्राम में आने वाले टीचर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उस दिन आएं और वापस चले जाएं। तो इससे शुरुआत वाला पीरियड और आखिरी वाला पीरियड बहुत प्रभावित होता है। दूर से आने वाले टीचर्स बहुत जल्दी चले जाना पसंद करते हैं। डाइट कई रिमोट एरियाज़ में भी हैं तो इसीलिए प्रोग्राम्स कट शॉर्ट भी करना पड़ जाता है। शाम वाला सेशन अक्सर जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है। रहने की व्यवस्था नहीं है और एक बहुत बड़ी बात उभर कर आई है, सभी टीचर्स ने ये कहा कि हर डाइट में एक फुली फ्लेज्ड ट्रेनिंग रूम होना चाहिए जहाँ पर साल भर इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन विदाउट एनी हर्डल्स किया जा सके और जो भी नई पेडागॉजीज आती हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो स्कूल लेवल पर भी कर सकें। टीचर्स वेयर ऑल्सो वेरी वोकल अबाउट द TA and DA बिकॉज वो बहुत मिनिमम अमाउंट होता है जिसके कारण वो उनमें काफ़ी असंतोष व्याप्त था और उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई कि वो कुछ सीख कर जाते हैं, सीखने के लिए मोटिवेट होकर भी जाते हैं लेकिन वो सीख रहे हैं और क्लास में कर पा रहे हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पर। करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद कि हमने ये सीखा और एक वर्ष बाद उसका कोई ऐसा या उसे करने में क्लास में कोई सिस्टमिक या कोई अन्य समस्या आती है, इसके बारे में कोई मैकेनिज्म नहीं है एक फॉलोअप का ताकि बताया जा सके, या हैंड होल्डिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सीखते हैं, चले जाते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है
इस तरह इसका अभाव देखा गया। क्योंकि आपकी स्टडी में सैंपल टीचर था, तो हमारी एक दर्शक है निर्मला जी, उनका प्रश्न है कि प्रॉब्लम्स क्या फेस की जाती हैं टीचर्स द्वारा क्लासरूम में या उनके बाहर भी आफ्टर अटेंडिंग दिस इन सर्विस प्रोग्राम्स, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? आई वुड एम्फसाइज ऑन टू इश्यूज विच आर वेरी पर्टिनेंट टू द फाइंडिंग्स ऑफ माई स्टडी एंड पर्टिकुलरली इन हरियाणा। टीचर्स बेसिकली आर वेरी मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, बहुत मोटिवेटेड हैं, सीखना चाहते हैं। और जैसे जब भी कोई नई चीज़ उन्हें बताई जाती है, नई पेडागॉजी बताई जाती है, कोई नवाचार बताया जाता है, दे लैप अप वेरी फास्ट, दे लर्न वेरी फास्ट, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, और सीखना चाहते हैं और सीख के उसका क्रियान्वयन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो जाते हैं क्लासरूम में तो सुविधाओं का, सिस्टम के अभाव और सपोर्ट के अभाव में वो आंशिक मात्रा में उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक आईसीटी इंटीग्रेशन में दे हैव प्रॉब्लम ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम ऑफ आईसीटी लैब, लॉट ऑफ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आर देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस द टाइम टेबल में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है जिससे कि वो कुछ अधिक समय इन एक्टिविटी, जब भी कोई नई एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इस तरह का टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी का भी अभाव है जो कि टीचर्स ने बताया जी। ताकि वो करें और वो करके, और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई कि जब हम कोई नई एक्टिविटी करते हैं बच्चे तो खुश होते हैं, बच्चों पे तो प्रभाव होता है, लेकिन हमें अन्य क्वार्टर से कोई मोटिवेशन या शाबाशी या अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जिसके अभाव में कुछ समय बाद या तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं या उनका उत्साह कम पड़ जाता है। जी बिल्कुल, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इस विषय पर चर्चा की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, टीचर्स डेवलपमेंट का विषय, और इश्यूज़ और कंसर्न्स को हमने जाना, समझा। और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें अपने हमारे टोल फ्री नंबर और ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।